नमस्कार, मैं मनमोहन सांगानेरिया wordpress.com पर वेबसाइट कैसे बनाते हैं ये आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले गूगल पर wordpress.com खोल लें। wordpress.com खोलने के बाद हमें सबसे पहला जो पेज मिलेगा जिसमें लॉगिन हमको करना पड़ेगा। लॉगिन में बेसिकली ईमेल आईडी और पासवर्ड जैसी डिटेल ये मांगते हैं, उसके बाद हम लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में क्रिएट न्यू वेबसाइट ऑन wordpress.com की विंडो हमारे सामने आएगी। इसको सिलेक्ट करते से ही किस प्रकार की वेबसाइट हम क्रिएट करना चाहते हैं ये यहाँ पर ऑप्शंस होंगे, जैसे आर्ट की वेबसाइट, फैशन से रिलेटेड वेबसाइट, प्रोफेशनल सर्विसेज से रिलेटेड वेबसाइट। मैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करता हूँ, स्टार्ट विद द वेबसाइट। अब मुझे अपनी वेबसाइट के लिए एक थीम सिलेक्ट करना है। जो भी सबसे पॉपुलर या कॉमन थीम है वो थीम मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे वेबसाइट का नाम यहाँ पर डालना होगा, जैसे मनमोहन सेम डोमेन नेम अवेलेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ manmohan341.wordpress.com अवेलेबल है जो कि फ्री में है। इस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर बहुत सारे प्लान, बिजनेस प्लान, पेड प्लान, मैं फ्री प्लान के साथ जाता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट मेरी वेबसाइट सेट हो गई है। यहाँ पर राइट हैंड बॉटम में कस्टमाइज़ का बटन है जिससे मैं अपनी वेबसाइट किस प्रकार की दिखे उसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। कस्टमाइज़ बटन दबाते से ही लेफ्ट हैंड उल्टे हाथ की तरफ ये सारे ऑप्शंस मेरे सामने हैं, जैसे साइट टाइटल, साइट टाइटल में चेंज कर सकता हूँ। न्यू वेबसाइट, यहाँ पर टैगलाइन भी हम डाल सकते हैं। यहाँ आप लोगो भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ ऑलरेडी लोगो एक ऐड किया हुआ है। नाउ सेव एंड पब्लिश करने से मेरी वेबसाइट का नाम चेंज हो गया, लोगो दिख रहा है और ये टैगलाइन यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। अब कलर बैकग्राउंड, यहाँ पर कलर पैलेट से मैं अपनी वेबसाइट के लिए कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ये कलर मैंने सिलेक्ट किया जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये कलर, एक कोई भी कलर, डिसेंट कलर मैं अपनी वेबसाइट के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेव एंड पब्लिश। हेडर इमेज, मैं अपनी वेबसाइट की हेडर इमेज, जो यहाँ इमेजेस अवेलेबल हैं, उदाहरण के लिए मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। सेव एंड पब्लिश करने से वेबसाइट के टॉप में जो इमेज होगी ये आप देख सकते हैं कि ये इमेज इस प्रकार से चेंज हो गई है। फ़ॉन्ट, मैं अपनी वेबसाइट में फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। जितने भी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट यहाँ अवेलेबल है ये सिलेक्ट किया मैंने फ़ॉन्ट। सेव एंड पब्लिश करने से आप देख सकते हैं ये वेबसाइट का नाम फॉन्ट चेंज हो गया है यहाँ पर।
विगेट्स वेबसाइट में विगेट्स छोटे छोटे एप्लीकेशन होते हैं जो बेसिकली कुछ इंफॉर्मेशन शो करते हैं, जैसे टेक्स्ट विगेट, कॉन्टेक्ट विगेट। इसके अलावा और भी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट विगेट्स होते हैं। एड विगेट में जाने के बाद वर्डप्रेस पर इस वेबसाइट में जो डिफ़ॉल्ट विगेट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। इनमें से मैं कोई एक विगेट सिलेक्ट करके उसे अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, या इसके अलावा भी wordpress.com से मैं विगेट्स डाउनलोड करके, और जैसे मैं कॉन्टेक्ट विगेट लेता हूँ, इसमें मैं टाइटल आवर्स एंड इन्फो इसको चेंज कर सकता हूँ, मेरा एड्रेस कॉन्टेक्ट एड्रेस चेंज कर सकता हूँ, मैप शो कर सकता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, कॉन्टेक्ट आवर्स, लंच आवर्स, डिनर, सैटरडे, ये सारी चीज़ें मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई करके कस्टमाइज करके और सेव और पब्लिश कर सकता हूँ। यदि यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं, ये कॉन्टेक्ट में ये सारी मेरी डिटेल यहाँ पर आपको दिख रही है। इस प्रकार से मैं विगेट्स को चेंज कर सकता हूँ। इसी प्रकार से हम वेबसाइट में ब्लॉग ऐड कर सकते हैं। ब्लॉग बेसिकली वेब ब्लॉग होते हैं जो कि पीरियडिक भी हो सकते हैं या ओकेजनल भी हो सकते हैं। इसमें यहाँ ब्लॉग का टाइटल इस प्रकार से डाला जा सकता है, कुछ कंटेंट इसमें डाला जा सकता है। यहाँ पर एड मीडिया से मैं कोई पिक्चर या वीडियो या टेबल या और कोई मीडिया में यहाँ पर अटैच कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए मैं ये पिक्चर सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट करके पब्लिश करने से ये इमेज यहाँ पर आ जाती है। ये जो ब्लॉग अभी मैंने ऐड किया, ये वे ब्लॉग डेट ऑफ पब्लिकेशन के बताता है किस टाइम डेट पर मैंने पब्लिश किया, एवं यदि मैं इसमें कुछ कीवर्ड सर्चिंग के लिए डालना चाहूँ तो वो भी डाल सकता हूँ, जिससे कोई भी मेरे ब्लॉग को कीवर्ड से सर्च कर सकता है। इसी प्रकार से हम वेबसाइट में पेज ऐड कर सकते हैं। पेज ब्लॉग से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये ब्लॉग के जैसे रेगुलरली अपडेट किया जाए या ऐड किया जाए, बट पेज में कुछ कंटेंट जैसे सारणी, सूची, चित्र, डॉक्यूमेंट्स, संलग्नक आदि हो सकते हैं। पेज मुख पृष्ठ भी हो सकता है अथवा मेनू आइटम में भी हो सकता है। यहाँ सबसे पहले हमको पेज का टाइटल डालना होगा, फिर यहाँ कंटेंट बॉक्स के अंदर हम कुछ
कंटेंट डाल सकते हैं, जो कंटेंट हम पेज में डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। ब्लॉग की ही तरह कुछ मीडिया इसमें हम ऐड कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर मीडिया ऐड नहीं कर रहा हूँ, पर जो मीडिया हम चाहें, जो इन्फॉर्मेशन हम चाहें वो इस पेज में ऐड कर सकते हैं। देन पब्लिश, इस प्रकार से आप देखेंगे ये मेन्यू के अंदर ये पेज डिस्प्ले कर रहा है। अभी जो पेज मैंने ऐड किया, क्योंकि मैंने इसमें केवल ये कंटेंट और ये टाइटल डाला, मैं और कोई मीडिया नहीं डाला, ये पेज यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। इस प्रकार से आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें सारी चीज़ें आप कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम होगा manmohan341.wordpress.com। .wordpress.com बाय डिफ़ॉल्ट आएगा ही। उम्मीद है कि आपने इससे वेबसाइट, एक बेसिक वेबसाइट कैसे बनाते हैं ये सीखा होगा। धन्यवाद।